इस सभ्यता में अपने बात कर रहे हैं, सभ्यता का नाम है कालीबंगा। अपनों ने अब तक बाद की हड़प्पा थी, हड़प्पा के बाद मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो के बाद में आती है कालीबंगा। भाई कालीबंगा जैसे कुछ शब्दों का भी मतलब भी होता है, जैसे मोहनजोदड़ो इसका मतलब है मुर्दों का टीला, कालीबंगा इसका मतलब क्या है? कालीबंगा का मतलब है काली रंग की चूड़ियां, काली रंग की चूड़ियां। भाई कालीबंगा मतलब है काली रंग की चूड़ियां। और जैसे मोहनजोदड़ो था, क्या बताया था आपको, मुर्दों का टीला, इसके बारे में देखें क्या विशेष महत्व रहता है इसका। जैसे अपने ये इंडिया की लोकेशन आती है, देखो 1947 के बाद भारत देश आजाद हुआ, देश आजाद होने के बाद भारत में खोजा गया पहला स्थल है तो वो कालीबंगा ही है। इसमें विशेष योगदान अपने राजस्थान की आती है, राजस्थान का उत्तरी भाग में जिला था हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ जिले में इस प्रकार से यहां से एक नदी थी जिसका नाम है, पहले बोलते सरस्वती है, इसको दशदती बोलते थे, वर्तमान में इसको बोलते हैं घग्गर नदी। घग्गर नदी किनारे एक सभ्यता स्थल विकसित हुआ जिसका नाम है कालीबंगा। देखो बंग शब्द ऐसे पंजाबी बोलते हैं वंग, जैसे बोलते हैं कालिया वंगा, जैसे वो गाना है पीली वंगा ऐसे करके, तो पीलिया वंगा मतलब बंग चूड़ियां होती है। कहते हैं खुदाई जब हुई थी, कुछ लोग ऐसे बताते हैं जब यहाँ खुदाई हुई तो खुदाई टाइम में जब खुदाई चल रही थी, अब मजदूर थे वो पंजाबी काम कर रहे थे, जैसे ही खुदाई हुई वहां पर बोले कालियाबंगा निकल गई, कालियाबंगा निकल गई, तो कालीबंगा निकल गई मतलब काली रंग की चूड़ियां निकल गई, उसके हिसाब से कहते हैं इसका नाम कालीबंगा पड़ गया, कुछ ऐसे मानते हैं। यहां पर आपको तीन व्यक्तियों के नाम याद करने पड़ेंगे। इस स्थल की खोज हुई 1952-53 नाम आता है 1952। खोज करने वाले हैं अमलानंद घोष, खोज करने वाले कौन है, अमलानंद घोष ने इनकी खोज की। दो व्यक्ति के नाम और आते हैं भी, वो आपको बहुत पजल करते हैं, वो नाम है कौन कौन से। नाम आता है बीबी लाल, बीबी लाल, और दूसरा नाम आपको मिलता है बी के थापर। ये आपको दो नाम मिलते हैं, बीबी लाल एंड बी के थापर। बीबी लाल का मतलब है ब्रिजवासी लाल, फुल फॉर्म इसकी आती है ब्रिजवासी लाल। बी के थापर का मतलब है बाल कृष्ण, बाल कृष्ण थापर, ये दो नाम आते हैं। देखो इन दोनों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया खुदाई के अंदर, मतलब खुदाई मतलब खनन के अंदर, खनन कार्य करवाने वाले दो व्यक्ति ब्रिजवासी लाल और बाल कृष्ण थापर, बी के थापर। और खोजकर्ता कौन हो गए, अमलानंद घोष हो गए। ये अपने भारत का बहुत प्रमुख स्थल है ये, मतलब कालीबंगा में ये बताया गया पांचवा सबसे बड़ा नगर बता रखा है। लेकिन आप देखो शर्मा है, थोड़ी तीसरी बात करते हैं, याद करो दशरथ शर्मा बता रहे हैं ये तीसरी राजधानी थी, दशरथ शर्मा बता रही है कि पूरी सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा तीसरी राजधानी थी, और अन्य इतिहासकार बताते हैं कि यह पांचवा सबसे बड़ा नगर था। कालीबंगा सभ्यता को कहा जाता है, इस शब्द पे गौर करना कि यह सभ्यता प्राक हड़प्पा सभ्यता तथा पश्च हड़प्पा सभ्यता है, मतलब ये प्राक हड़प्पा तथा पश्च हड़प्पा है। प्राक का मतलब ये है, प्राक मतलब होता है पूर्व, प्री पहले, पश्च मतलब होता है आफ्टर बाद में, इसका मतलब हड़प्पा से पहले की शुरू हुई है, और ये माना गया कि हड़प्पा की बात तक चली थी, मतलब ये सबसे लंबा इसका काल माना गया है। कहते हैं कि जैसे मान लो ये हड़प्पा सभ्यता, इस प्रकार से हड़प्पा जो मोंटगोमरी वाली उसकी बात कर रहे हैं, हड़प्पा सभ्यता का टोटल एरिया ये मान लो इसका टाइम पीरियड है, दैट सपोज ये मान लो आपका इसका 300 वर्ष का टाइम पीरियड है। अपने इतिहासकार ये बताते हैं कि ये इस हड़प्पा सभ्यता से पहले शुरू हुई, हड़प्पा सभ्यता के बाद तक चली, इसका ये मतलब है कि कालीबंगा सभ्यता प्राक हड़प्पा कालीन तथा क्या है, पश्च हड़प्पा कालीन है। अरे कहते हैं सिटी सिविलाइजेशन में फर्स्ट, जैसे आज अपने इंडिया का एक सिटी है जिसका नाम चंडीगढ़, चंडीगढ़ अपने नगर नियोजन व्यवस्था में सबसे टॉप में माना गया, ब्लॉक के अकॉर्डिंग वहां पर पूरी सिटी वो पेरिस के नक्शे को धार मान के वो बसा हुआ है सारा सारा चंडीगढ़, ये नगर नियोजन व्यवस्था में सबसे टॉप में माना गया है। कालीबंगा जैसी तोड़ कोई नहीं करता विश्व में, जैसे आज फ्रांस की राजधानी पेरिस भी क्यों नहीं है, चाहे वो कोई भी है, अमेरिका का शहर हो चाहे वो ऑस्ट्रेलिया का हो, चाहे अपने यूरोप का हो, चाहे अफ्रीका का हो, कोई भी शहर इस स्थल की ओढ़ नहीं करता है, मतलब इतना अपने से ज्यादा विकसित था ये। देखो आज बात कर ले सीवर व्यवस्था की, प्रत्येक घर के आगे सीवर हुआ करता था कालीबंगा के अंदर बताया जा रहा है, और विश्व में अपने आज इस लोकल एरिया की अपने बात कर लें तो सीवर व्यवस्था मान लो गली में 5 सीवर लगा दिए ना, उसमें एक आपको जाम मिल जाएगा, आपको पूरी गली में 4 सीवर नहीं मिलते, ये व्यवस्था है। नगर नियोजन व्यवस्था सुदृढ़ मानी गई है यहाँ की,
नालियां लकड़ी से ढकी हुई है, प्रत्येक घर के आगे सीवर, मुख्य मार्ग पे कोई भी गेट नहीं खुलता। जैसे मान लो ये सड़क है, ये होगी मेन रोड, इसको आप ऐसे लिख दो मुख्य मार्ग, ये होगी मेन रोड। अब मेन रोड से एक रोड अंदर लिंक जा रही है, ये अंदर रोड चली गई। अंदर रोड जाने के बाद में इस प्रकार से ये समझ लो, ये लो जी बस्ती बनी हुई है, एक ब्लॉक यहां बना हुआ है, इस प्रकार से कुछ घर यहां बने हुए हैं, ये मान लिया कुछ घर यहां बने हुए हैं, ये तीन घर यहां है और दो घर यहां है, मान लिया और दो घर यहां है। ये घर इसका दरवाजा तो इधर ही खुलेगा, इसका दरवाजा भी अंदर ही खुलेगा, इसका दरवाजा मुख्य हमारे पे नहीं खुलेगा, यही खुलेगा इस प्रकार से, ये लो जी ऐसे करके इनके दरवाजे थे। मतलब ये जो मुख्य मार्ग है, किसी मुख्य मार्ग पे दरवाजा नहीं खुलेगा, अंदर जाके खुलता था, इतनी शानदार व्यवस्था है। अब नाली वाली बात किस प्रकार से है, नाली का मतलब ये आता है विद्यार्थियों, जैसे एक सीरीज में ये लगातार यहां पर घर बने हुए हैं, ये मान लो ये घर है कोई अलग, फर्स्ट घर, ये सेकेंड घर, ये आ गया तीसरा घर। अब यहां से जा रही है नाली, ये जा रही है यहां की नाली, ये घर है, इसके घर का पानी सारा सारा इसके घर आगे सीवर बना हुआ इस प्रकार से, ये घर इसके आगे यहां पर बना हुआ है सीवर, ये घर इसके आगे बना हुआ है सीवर। अब क्या होगा भाई, नाली है, कचरा भी आएगा, पानी भी आएगा, पानी आएगा इस प्रकार चलता रहेगा। अब कचरा जो होगा भारी होगा, इसके अंदर गिर जाएगा कचरा सारा सारा इसके अंदर स्ट्रोक, आगे चला अब यहां का कचरा है, कचरा यहां का सारा सारा स्ट्रोक, कचरा इसमें सारा स्ट्रोक हो जाएगा। पानी है, वो पानी क्या धीरे धीरे साथ साथ चलता रहेगा, पानी क्या जैसे कचरा भारी है, चलता है नहीं, वो पानी क्या चलता रहेगा इस प्रकार। कितनी शानदार व्यवस्था देखो आप, प्रत्येक घर के आगे सीवर व्यवस्था है, और कचरा है तो आएगा अंदर जम, इसमें गिर जाएगा, फिर उसको बाद में निकाल दिया जाएगा। नगर नियोजन व्यवस्था सुदृढ़, फिर नाली के ऊपर लगा रखा है क्या, लकड़ी का कवच, तो लकड़ी से ढक रखा है नालियों को, ऐसी यहां पर व्यवस्था मानी जाती है। फिर इसके अलावा यहां पर अलंकृत फर्श के अवशेष मिले हैं, अलंकृत फर्श के अवशेष, मतलब फर्श बोलते हैं अपने जो नीचे धरातल में बनाते हैं, फर्श के अवशेष मिले हैं। इसके अलावा भूकंप की जानकारी विश्व में सर्वप्रथम वो भी यहां मिली, भूकंप की जानकारी भी यहीं से मिलती है। स्वस्तिक चिन्ह, स्वस्तिक चिन्ह के जो अपने को मिला है इस प्रकार से, स्वस्तिक चिन्ह का अवशेष मिला है तो भी यहीं से मिला है। तो इस प्रकार से और भी बहुत सी विशेषताएं आती है। एक स्थान बढ़ता है गुजरात में जिसका नाम लोथल है, लोथल में एक साथ वहां पर 9 हवन वेदिकाएं प्राप्त हुई थी, मतलब हवन कुंड जो होते हैं हवन वेदिकाएं प्राप्त हुई लोथल की भांति, यहां कालीबंगा में भी 7 हवन वेदिकाएं एक साथ में यहां पर प्राप्त हुई है, ये यहां की विशेष बात है। इसके अलावा कपड़े में लिपटा हुआ, कपड़े में यहां पर लिपटा हुआ क्या प्राप्त हुआ है, यहां पर एक उस्तरा भी प्राप्त हुआ है, ये हमारे कालीबंगा सभ्यता की विशेषता थी। कालीबंगा वो टॉप में था, कालीबंगा में रख रखाव करने के लिए सन 1986 के अंदर यहां पर एक संग्रहालय की स्थापना हुई है, कालीबंगा संग्रहालय भी है कुछ नहीं, कई सोचते हैं संग्रहालय में बहुत कुछ हुआ, कोई खास विशेष बात नहीं है, वहां के ठिकर खंडे हुए थे वो चकचका के वहां से इकट्ठे करके लगा दिए इसके अंदर, ये है फोटोएं लगा रखी है। संग्रहालय स्थापना 1986-87 को माना गया संग्रहालय की, और इसका सारा जो इतना भी सामान था वो यहाँ नहीं पड़ा है, इसकी कुछ वस्तुएं पड़ी है वो वर्तमान में कहाँ रखी हुई है, वो सारी सारी वस्तु वर्तमान में दिल्ली संग्रहालय में रखी गई है बताया जा रहा है, कुछ बता रहे हैं कोलकाता संग्रहालय में रखी गई है। तो इस प्रकार से वर्तमान में संपूर्ण सामग्री कालीबंगा की कालीबंगा संग्रहालय में नहीं है। ठीक है जी विद्यार्थियों, ये थी कालीबंगा सभ्यता, सेव करो।